इस वक्त वेयर हाउस की आप ये तस्वीरें देख रहे हैं और ये ट्रेडर फेडरेशन वेयर हाउस नेहरू मार्केट के तमाम ट्रेडर्स हैं, हाथों में तिरंगा लेकर ये यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन करने की वजह है 100 रिलायंस के जो मार्ट खुलने जा रहे हैं उसके ऊपर ये एक जोरदार प्रदर्शन इनके द्वारा किया जा रहा है। हालांकि रिलायंस द्वारा ये कहा गया है कि ये जो 100 मार्ट खुलने जा रहे हैं ये अनट्रू है। क्लैरिफिकेशन मांगने के लिए ये पूरी तरह से जो ट्रेडर्स हैं वो अपना जो एक रोष है और गुस्सा है वो दिखा रहे हैं। ट्रेडर्स फेडरेशन के बैनर तले ये प्रदर्शन जो है किया जा रहा है, हाथों में स्मार्ट पॉइंट, रिलायंस के स्मार्ट पॉइंट की तस्वीरें लेकर ये एक जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं। और दूसरी तरफ हम आपको बता दें कि शहर में आज बंद का जो असर है वो देखने को मिल रहा है। तमाम जो शॉप्स हैं और उसके साथ साथ केमिस्ट शॉप्स भी बंद हैं। बार एसोसिएशन जम्मू ने भी इसका समर्थन किया और भी तमाम ऑर्गेनाइजेशन और पॉलिटिकल पार्टी जो हैं इसका पूरी तरह से समर्थन कर रही हैं। वेयर हाउस नेहरू मार्केट की आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, एक बार फिर हम आपको बता दें। और ट्रेडर्स प्रदर्शन करते हुए इस समय आपको हम जम्मू परिवर्तन के माध्यम से पूरी तस्वीरें दिखा रहे हैं। रिलायंस गो बैक के नारे जो है वो नारेबाजी की जा रही है। और आप ये अब देख रहे हैं कि किस तरह जो ट्रेडर्स हैं ये रिलायंस के स्मार्ट मार्ट की जो तस्वीरें हैं वो जलाई जा रही हैं इनके द्वारा और साफ इसको अपोज किया जा रहा है। ब्लैक रिबंस लगाकर ट्रेडर्स इस समय सड़कों पर हैं और रिलायंस स्मार्ट मार्ट को लेकर जो प्रदर्शन है वो किया जा रहा है। ये तस्वीरें भी जलाई गई हैं स्मार्ट पॉइंट की, रिलायंस की, और साफ जो गुस्सा है वो ट्रेडर्स का आज आपको देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से बात कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि विकास ऐसी नीतियाँ बिल्कुल नहीं चाहिए और जम्मू पर जो समर्थन कर रहे हैं वो आप पूर्ण रूप से कर रहे हैं। क्या कहेंगे कि अगर आज बड़ा फैसला नहीं दीपक जी, दीपक जी ट्रेडर्स के लिए किस तरह आज का जो प्रोटेस्ट है और जो बंद है जम्मू का ये शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट है और शांतिपूर्वक बंद है और शांतिपूर्वक बंद है। ये सरकार को आज चेतावनी है कि सरकार हमारी बात सुन ले
और जम्मू रिलायंस स्टोर जो जम्मू में खुलने जा रहे हैं उनका मैं पूरा विरोध कर रहा हूं। और 50,000 व्यापारी जो छोटे छोटे व्यापारी इनका विरोध कर रहे हैं, हम उनकी लड़ाई जो है आग की लड़ाई लड़ते रहेंगे और आगे भी लड़ाई जो है जारी रहेगी। और रिलायंस इतना बड़ा कॉरपोरेट सेक्टर है, फिर एक छोटी छोटी किराने की दुकानें शोभा नहीं देती। हिमाचल के अंदर भाजपा सरकार है, वहां रिलायंस नहीं है। गोवा के अंदर भाजपा सरकार है, रिलायंस नहीं है। यहाँ ऐसे सेक्टर हम नहीं आने देंगे जहाँ आबादी 1.25 करोड़ से नीचे है। हाँ, जिस शहर की आबादी 5 करोड़ से ऊपर है वहाँ आए मेट्रो सिटियों में वहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ आबादी कम है, हम नहीं आने देंगे। आज का हमारा शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट है और आगे सरकार ने हमारे रिलायंस स्टोर को नहीं अगर बंद किया तो हम जो है चक्का जाम करके पूरा बंद करेंगे। जी, रिलायंस ने डिनाई किया है, एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है वो दी गई है उसमें वो डिनाई कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ऐसे स्टोर्स हम नहीं खोल रहे हैं। तो किस तरह से आप इस सबको देखते हैं? रिलायंस एडमिनिस्ट्रेशन को बेवकूफ बनाने का काम कर रही है। 8 स्टोर जो है बिल्कुल तैयार है, जिन स्टोरों को आज हमने जलाया है। और ड्रग्स कंट्रोलर से उन्होंने दवाइयों की परमिशन ली है और ये ओरल स्पोक्समैन बोल रहा है, कोई रिटर्न में मेल नहीं है कंपनी की तरफ से। ये हमें गुमराह किया जा रहा है ताकि व्यापारी जो है शांत हो जाए और ये चोरी छुपे लाइसेंस जो गवर्नमेंट दे रही है वो हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। 50,000 व्यापारियों का ये हक है, हम लड़ते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। व्यापारियों का साफ तौर पर कहना है कि हम लड़ते रहेंगे। और ये पूरा का पूरा जो प्रदर्शन है रिलायंस स्मार्ट पॉइंट को लेकर है और उसकी कुछ तस्वीरें भी यहाँ पर ट्रेडर्स द्वारा जलाई गई हैं। हालांकि ये वेयर हाउस जम्मू के बाहर की आप तस्वीरें देख रहे हैं, नेहरू मार्केट ट्रेडर फेडरेशन के बाहर की तस्वीरें। और ट्रेडर इस समय गुस्से में है और गुस्सा साफ नजर आ रहा है। कैमरामैन अभिषेक के साथ मैं सोमिल अब्रोल, जम्मू परिवर्तन के लिए।